नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। भाई अडानी जी के तो स्टॉक से भी डर लगने लगा है। वो खुद भी सोचते होंगे कि मैं हर जगह कैसे फंस जाता हूँ। भाई अब की खबर में बात क्या है कि फिर से इनके शेयर गिर गए धड़ाम से। अब तो निवेशकों को निवेश करने से भी डर लग रहा होगा। खबर क्या है आइए जानते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं कि अब यूएस ने चार्जेस लगाए हैं बिलियनेयर अडानी जी पे कि आपने फ्रॉड किया है, फ्रॉड कर दिया है। अभी तक तो यहाँ पे पार्टीज आपस में लड़ रही थी, हिंडनबर्ग ही था, अब ये पिक्चर में यूएस कहाँ से आ गया? सारी जानकारी मिल रही है, 2 मिनट का सबर जरूरी है। तो बात ऐसी है कि हर एक न्यूज में आप पढ़िए, चाहे यहाँ 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 या यहाँ या यहाँ, हर जगह यही है कि अडानी के ग्रुप ने इशू करा फिर स्टेटमेंट अपनी उस पे कि भाई हमने ऐसा नहीं करा है। अच्छा, ब्राइबरी केस लगा और स्टॉक में भैया 20 से 25% की गिरावट आई है। आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर तो क्या हालत हुई थी। ऐसे स्टॉक धड़ाधड़ गिरे थे कि 3000 वाला 1000 1500 रुपए में मिल रहा था, और अभी भी आज भी जिस हिसाब से गिरा है 500 600 रुपए, तो मुझे लगता है कि अभी भी यही हाल हो जाएगा। अब देखेंगे, वो तो आगे पता चलेगा। वैसे ही मार्केट की हालत बड़ी खराब है और अब तो और खराब है। खैर, इस बात पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना जो है वो भाई मुद्दा मिल गया उनको। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया इनको पकड़ो, प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। तो क्या है वजह, क्यों इनके साथ ऐसा हो गया फिर से, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्जेस बताती हूँ कि क्या लगे। अब एक बात बताइए, आपने सुना होगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो उसमें कहते हैं कि भैया या तो एक नंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो, वो तो भाई एक होने वाली बात है कि आपका निकल आए, या तो कुछ अंदर से पैसा वैसा खिला दो तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अब इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, कहानी कुछ इस तरह से है कि सपोज करिए कि आप हैं, ठीक है, अब आपको किसी और से पैसा चाहिए, तो उससे पैसा लेने के लिए आपने बताया कि यार मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़िया सेटअप होने जा रहा है, अगर तुम मुझे पैसा दे दोगे तो वो जो बिजनेस मैं सेटअप कर रहा हूं तुम्हारा पैसा वहां लगाऊंगा, और इतनी बड़ा बिजनेस जो कि बन रहा है तुम्हारा पैसा कितने गुना करूंगा और तुमको बढ़िया प्रॉफिट दूंगा। तो यही चीज अडानी जी ने भी जो है लॉलीपॉप की तरह बताई थी यूएस के इन्वेस्टर्स को। कहानी ये है कि चार्जेस ये लगाए गए हैं कि अडानी जी, इनके साथ 7 लोग और, जिनमें कि और लोग भी हैं मैं आपको बताऊंगी, उनमें इनके नेफ्यू सागर अडानी भी हैं। इनको कहा है यूएस की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने कि आपने फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड करा है, इसमें भारत के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड समझाते हैं, और फ्रॉड करा है हमारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ में। क्या कि आपने कहा कि हमें भारत के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, किससे रिलेटेड है वो भी बताऊंगे, और इस बात को सामने दर्शा के यूएस के अंदर आपने ढेर सारा पैसा रेस कर लिया है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस करे, और कहा जा रहा है कि इससे आपको कुछ पैसा बच रहा था बीच में, तो बिलियन डॉलर का प्रॉफिट था इसमें बीच में। तो जो पैसा यूएस के इन्वेस्टर्स से लिया गया, उस पैसे से ये कहा गया कि यहां पे करीब 250 आप देख सकते हो यहां स्क्रीन पे 250 मिलियन डॉलर्स की जो है ब्राइब खिलाने जाने की बात थी, कि वो ब्राइब खिलाई जाएगी भारत के अंदर ऑफिशियल्स को, और उससे यहाँ पे सोलर वगैरह एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को लिया जाएगा, और उन प्रोजेक्ट्स को लेने के बाद का दिलासा दिलाते हुए इन्होंने यूएस के इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया है। अब इतनी तो बात आप समझ गए मुद्दे मुद्दे की क्या है। अब इसी के साथ अगर आपको अपने साथ फ्रॉड नहीं करना है और बढ़िया से पढ़ना है और पेपर निकालना है, तो भाई साहब हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, और इसमें आप एक साथ पढ़ के सभी लोग एक साथ पढ़ सकते हो वर्चुअली मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इस बारे में और जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, तो अब इसी के चलते यूएस के कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया गौतम अडानी को लेके। अब आप जानते ही हैं कि भाई जब ऐसा कुछ होता है तो भाई अडानी को वहां बुलाया जाएगा। अब कौन जाना चाहता है कि मैं जाऊं और बेइज्जती कराऊं इतना पैसा वैसा लेके। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि भैया हमारे साथ यूएस की जो है वो
एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो हो सकती है कि यूएस की सरकार कहे कि भैया भारत की सरकार जरा अडानी को भेजिए हमारे यहाँ। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन आप जानते हैं कि अडानी के नाम पे हर जगह सिक रही रोटियों में कभी हिंडनबर्ग अपना जो है मामला करके इनका स्टॉक गिरा देता है, तो कभी भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इनका नाम उछलता रहता है। लेकिन अब क्या बताया जाए कि ऐसा फंस गए हैं कि इस बार तो सीधा यूएस से ही फंस गए हैं, तो इनकी कुछ किस्मत में लोचा है। खैर क्या होगा आगे मैं बताती रहूंगी, फिलहाल तो एक मेन चीज है जो आप अभी कर सकते हैं, फ्यूचर का नहीं पता, वो है सब्सक्राइब हमारे चैनल को। इसके साथ साथ बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह फॉलो कर लीजिए। क्या पता अचानक से मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर आप सोचें मैंने पहले क्यों नहीं किया था। साथ में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में। तब तक के लिए, जब तक के लिए अगली खबर नहीं आ जाती।